कृष्णा भी फोन पर है, वो किडनैपर्स उसके साथ ही हैं, उसे कहीं गाड़ी में लेकर जा रहे हैं और हम किडनैपर्स को जानते हैं, वो यश है। कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी से बात करते रहिए, हम लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। नंबर बताइए आप उनका। नंबर है मेरे पास। आइए आप मेरे साथ। कृष्णा कृष्णा फोन मत काटना ठीक है, बात करते रहना, एक बार आप देखो आस पास। प्लीज कृष्णा कुछ भी करो, हमें कृष्णा के पास लेके चलो ना, प्लीज हमारी कृष्णा को ढूंढो ना सागर, कुछ तो करो प्लीज। कृष्णा वो लोग पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। कृष्णा तुम डरना मत, कृष्णा कृष्णा देखो एक बार कुछ बोलने की कोशिश करो, बात करो बात करो, देखो पापा मैं पापा हूँ ना। लोकेशन ट्रेस हो गया है, अब हमें अभी निकलना होगा। हाँ आपने क्या कहा था, आप किडनैपर को जानते हैं? हाँ। कोई फोटोग्राफ्स वगैरह है उनका? मिल सकती है यश के प्रोफाइल से, एक मिनट। हाँ आप इन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम अभी कृष्णा को लेने जा रहे हैं, आइए आप मेरे साथ। चलिए भैया आप मम्मी और दादी का ख्याल। क्या उसके हाथ में फोन था? फोन ऑन था कि ऑफ था? पता नहीं, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाबाश बेटा, क्या काम करता है, तेरी ना जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक नंबर का गधा है तू, गधा। अगर वो फोन ऑन है तो उन लोगों को हमें ढूंढने के लिए 2 मिनट नहीं लगेगा, वो लोग हमें ट्रेस कर लेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं सोच रहा था कि अपना छोटा सा दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बंद कर दे, अब तो मेरे दिमाग से चलेगा, समझा? ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ध्यान से सुन, कोई गलती मत करना। कृष्णा मिल नहीं रही, तुम हर जगह ढूंढने की कोशिश करो, ओके मिल जाएगी। कृष्णा मिल रही नहीं मतलब क्या कहते ना? नहीं दादी, सागर ने बताया कि उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी। दादी रिलैक्स, कृष्णा मिल जाएगी, ओके सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसे तबीयत है इनकी? अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी माँ जी क्या हुआ आपको? ये बड़ा क्या हुआ? दादी पुलकित क्या हुआ माँ जी को? दादी अम्मा जी आप ठीक तो है? नर्स क्या हुआ? क्या चल सकते हो? क्या हुआ? हटिए हटिए अम्मा जी, क्या हो गया इनको? मेरे को लगता है इनको ना इनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, इनको कब्रे में लेके जाना पड़ेगा। इनको आराम की सख्त जरूरत है, लेके जाइए। अम्मा जी संभालिए अम्मा जी। से थोड़ी दूर रोड पर एक वाइट कार खड़ी है। उस कार में बैठ जाओ, कार वाला तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास पहुंचा देगा। वाइट कार तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। ये फोटो देख के तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, अब वो शान से कहेगी कि उसके बेटे ने एक काम तो पूरा किया।
अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है कृष्णा। चल अब सबको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। कुछ नहीं होगा, हम आ गए ना। सॉरी हम तुम्हें छोड़ के चले गए थे। सॉरी कुछ भी हुआ ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। मैं सब खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मेरा बच्चे प्रिंस। मेरा प्रिंस मर गया। मेरा प्रिंस मर गया। गंगा और सागर, अब तुम लोगों को भी मरना पड़ेगा। तुमने मेरे प्रिंस को मारने की गलती की है। अब तुम लोग जिंदा नहीं बच सकते। अब सब मरेंगे, सब मरेंगे। पूरा पूरा चतुर्वेदी खानदान मरेगा। सबको मरना पड़ेगा। अगर मेरा प्रिंस जिंदा नहीं बचा तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। कोई जिंदा नहीं बचेगा। सबको मरना पड़ेगा। Thank you.
जी ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। मेरी चिंता मत कर गुड़िया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? साधु चाहिए? कृष्णा साधु कहीं नहीं गए हैं, साधु यहीं तो है सबके साथ, यहां हम सबके दिलों में, तुम्हारे दिल में। कहीं नहीं गए हैं वो, दादू ना हम सबको देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, और अगर हमें कोई भी परेशानी आती है ना तो हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए उदास होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, है ना? अरे तुम बताओ, अगर दादू देखेंगे कि उनकी कृष्णा उदास हो रही है उन्हें अच्छा लगेगा? दादू को सैड करना चाहती हो? नहीं ना? बस अब से उदास नहीं होगी कृष्णा। अच्छा तुम्हारी मम्मा ने बैग पैक कर दिया? नहीं किया? एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं मम्मा को बुला के लाता हूँ, हमें निकलना है ना, तैयारी करनी पड़ेगी। क्या सोच रही है? हम अभी बहू जी के कमरे से आ रहे हैं, वो एकदम टूट गई है सागर, बाबू को बहुत याद कर रही है, बाबू के कपड़ों को अपने सीने से लगाकर रो रही है, छोटे बच्चे की तरह। बहुजी की हालत के लिए हम खुद को कोस रहे हैं, हमारे सामने बहुजी ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। क्या? हमने बहुत... अभी मम्मी से बात करके आ रहा हूं। नहीं सागर, हमने किसी तरह दिलासा देकर समझा दिया, पैकिंग करके हम दोनों उनके पास चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? सामने के दोनों टायर पंचर हो गए। अब क्या करेंगे? यहां तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, वो सामने एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वहां कुछ पता चल जाए। एक्सक्यूज मी, रूम्स अवेलेबल हैं? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं? हाँ, जितने चाहो मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस खाली पड़ा है। बहुत अजीब जगह है ये, बाहर रिसेप्शन में बैठे हुए थे तो गायब है,
और यहाँ बाहर का दरवाजा भी बंद है। कौन है? दरवाजा क्यों बंद कर लिया भाई? आप संभालिए। दरवाजा खोलिए। हेलो, दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये क्या कर रहे, क्यों कर रहे हैं सब? अरे पर इनके हाथ मत बांधना, आज इनके हाथों से मुझे एक बहुत महान काम कराना है। प्लीज, मैं कह रहा हूं मत करिए। ये ओहो, मैं तो भूल गई थी, ये खानदान एक दूसरे से कितना प्यार करता है। एक को लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। आउट, कोई बात नहीं, मारती किसी को भी, दूसरा काम करते हैं। इस प्यार का नाम इम्तिहान लेते हैं। रेडी, गेम ये है कि ये गन आपके हाथ में होगी गंगा देवी, और इस पेपर पे आपने जिसका नाम सेकंड लिखा है उसको आपको गोली मारनी है। और अगर आप ये नहीं कर सके तो जिसका नाम आपने पहला लिखा है उसको मैं गोली मार दूंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको सागर को गोली मारनी है, और अगर आप सागर को गोली नहीं मार सकी, नो प्रॉब्लम, मैं कृष्णा को गोली मारूंगी। नहीं नहीं, मैं मारूंगी, प्लीज। हे, क्या बोल रही हो? प्रभु मत करो ऐसा। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? ये सब इन्होंने बोला। इस औरत और इसके बेटे ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जब मुझे सच का पता चला तो मैंने इसका पीछा किया और फिर पुलिस को भी बुला लिया। दादी, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन जब मुझे और गंगा को कृष्णा मिल गई थी और यश मारा गया था, तब भी हमारी फिक्र कम नहीं हुई थी। घर लौटते समय भी मैं और गंगा यही बात कर रहे थे कि भले ही यश ना रहा हो, लेकिन जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं उनका खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे फैमिली में कोई सेफ नहीं।
और जिसने भी पापा पर हॉस्पिटल में अटैक किया था वो फिर से अटैक कर सकता है और इस बार शायद कामयाब भी हो जाए। इसीलिए हमने ये सोचा कि हमें झूठ बोलते हैं, पापा की डेथ का झूठ। एटलीस्ट इससे ये खतरा तो टल जाएगा और हमें कुछ टाइम मिल जाएगा उस इंसान तक पहुंचने का जो ये सब करा रहा है। फिर मैंने डॉक्टर से बात की। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आपको सबके सामने ये कहना होगा कि पापा बच नहीं सके। ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोल सकता हूँ? It's unethical. Doctor, I understand. I know. I understand everything. लेकिन please, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो पापा के साथ साथ पूरी फैमिली को जान गंवानी पड़ेगी। फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ये पापा की डेथ की झूठी खबर देना बहुत जरूरी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। हम अपनी और सागर की तरफ से सबसे माफी मांगना चाहते हैं, खास तौर से तुमसे बहूजी और अम्मा जी से। जानते हैं कि इस झूठ के कारण तुम सब लोगों पर क्या बीती है। अगर हम दोनों मजबूर थे, अगर बाबू के जिंदा होने का सच हम सबसे नहीं छुपाते, तो ये खतरा हमारे परिवार पे बना रहता। इस पुश्तैनी हवेली में आने का भी हम लोगों ने इसीलिए प्लान किया क्योंकि हम पूरी फैमिली की सेफ्टी चाहते थे। लेकिन प्रभा मामी ने बहुत चलाकी से बीच रास्ते में ही हम सबको रोक लिया। कहा कि मामी ना मत ले उसका। बाबू, अगर तुम वहां पर टाइम पर नहीं आते तो शायद हम सब लोग आज जिंदा ही नहीं होते। तो साबित हो गया आज कि असली हीरो मैं ही हूं। क्या कह रहे हैं? गंगा और सागर ने शादी का नाटक किया? अब ये नई समस्या कहां से आ गई भाई? बहुत गलत किया सागर और गंगा ने। हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन अब क्या करेंगे? मुझे पता है क्या करना है, और जो कुछ भी करना होगा वो आज शाम के गेट टुगेदर में करना होगा। अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया हूं। खोलो। नोटबुक होती है ना, इसमें सब कुछ लिख सकते हैं, पेन से, पेंसिल से। ऐसे ही अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, तुम्हें कुछ कहना है किसी से, इस पर लिख के सब कुछ कह सकती है। अब लोगों को दिखाने के लिए सिंदूर लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं तो ऐसे भी लंदन वापस जा रहा हूं, तू भी फिर आराम से रहना यहाँ पे बिना किसी टेंशन के। अच्छा ना, देख मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा तो ये ड्रामा भी नहीं होगा। अच्छा है दोनों को छुट्टी मिल गई। ये लगा के आप बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा नहीं लगा किसी के। कोशिश। कोशिश। Are you okay? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पानी। प्लीज पानी। हाँ मैं पानी देखूँगा। आराम से बैठ जाओ। आराम से आराम से आराम से रिलैक्स। You'll be fine, okay? Relax. I'm sorry, Pulkit. तुम दोनों तैयार होकर पार्टी के लिए जा रहे थे और मेरी वजह से रुकना पड़ गया।
मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी। Are you crazy? ये पार्टी तुम्हारी और इस बच्चे की हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है क्या? अच्छा लगा ये जान करके कि तुम्हें इस बच्चे की इतनी परवाह है। You know something, Pulkit? अब मैं इस बच्चे को अपने अंदर महसूस भी करने लगी हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इसने कुछ हरकत की हो। तुम भी फील करना चाहोगे? कशिर, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि ये हमारा बच्चा है। इससे पहले कि तुम दोनों यहां से चले जाओ, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया तुम लोगों ने, अब अपने बारे में भी सोचो। ऐसा हम सब चाहते हैं। ये लो टिकट्स। तुम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हो हनीमून के लिए। 16 जनवरी को चलो। तू यहाँ है तो बता दे इसका क्या करना है। सब लोग तो ये सोच के खुश हो रहे हैं कि हम 16 को हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन 16 को तो मैं जा रहा हूँ लंदन। तू भी अकेले ते गंगा, ये शादी का डिसीजन तेरा था। मैंने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप मान लिया था। अब तू ही डिसाइड कर कि सबको कैसे बताना है। देखा, अब तक हर कदम में मैंने तेरा साथ दिया है और अभी भी दूंगा मैं। 7 दिन है, तू डिसाइड कर ले क्या करना है, क्या बताना है सबको। ओके? बता देना।